Hey everyone, my name is Umesh Sanswar. कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि बस 10 मिनट की ही तो बात है, बस एक दिन की ही तो बात है, बस 100 रुपये की ही तो बात है, बस कुछ देर रुकने की ही तो बात है, रुक जाना। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ। But it's only a matter of time. काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है। ज़्यादातर इसका यूज़ लोगों को कन्विंस करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग में भी बहुत होता है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, और उसके बाद बोले जाते हैं अदर वर्ड्स। अगर ऑफ के बाद कोई वर्ब है तो उसको ing के साथ बोला जाएगा। ऑफ के बाद हमेशा वर्ब की ing फॉर्म का यूज़ किया जाता है। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बस 10 मिनट की है तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। बस एक दिन की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 1 डे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 1 डे। बस 100 रुपये की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़। बस कुछ देर रुकने की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग फॉर अ वाइल। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग फॉर अ वाइल। बस इंग्लिश पढ़ाने की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बस पैसों की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। बस मिलने की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। इसके अलावा अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इट्स ओनली अ मैटर ऑफ की जगह पर इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे कि बस 10 मिनट की ही तो बात थी। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। बस साथ जाने की ही तो बात थी। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग टुगेदर। बस 50 रुपये की ही तो बात थी। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ 50 रुपीज़। सो गाइज, अब आपकी बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। बस एक पेन की ही तो बात है। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और हमेशा की तरह कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।